मेरा नाम राजू देवी है, मैं सिंगावास की रहने वाली हूँ और 5-6 साल हो गए मेरे को गलीचा काम करता, जयपुर रकेश का काम करता। अच्छा। बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग। क्या अच्छा लगा? और उधर गए थे देखने के लिए, वो भी उधर बिल्कुल ख़राब काम हो रहा था और भाई साहब के गए तो वो भी अच्छा लगा। उधर कविता भाई, भाई साहब जी, भाभी जी, उनको देखने से बहुत अच्छा लगा। वहाँ जा गलीचा भी देखे सुंदर सुंदर, हम तो कुछ भी सुंदर नहीं बनाए थे, उधर जाने से पता पड़ा भाई इतना सुंदर गलीचा चाहिए। ट्रेनिंग लेने के बाद ये प्रभाव पड़ा भाई, इधर हम तो बहुत गंदे काम करते, पहले तो गलीचा फंदे काटने से मतलब था, और अब उधर जाने से तो अब सब काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ गई भाई, ठेड़ा की, लच्छी की, अच्छा काम करने की। तो अच्छा काम करने का मतलब मजदूर से मालिक बन गए, अब बन अच्छे काम करेंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, पहले तो क्या घास फूस काट के भेज देते वो उधर सुधरता था, वो अब हम सुधार के काम करेंगे तो पैसे हमारे को मिल जाएंगे, तो हमारे और 2 पैसे भट कर मिल जाएंगे। ग्राहक के बारे में समझ भाई, ग्राहक आएगा वो मांगेगा वैसा ही काम हम बना के देंगे, तो उसको टेम वाला देंगे तो वो भी खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। अच्छा। उसको टेम पर नहीं देंगे, वो मांगेगा उसे नहीं बनाएंगे तो खुश नहीं रहेंगे, हमारे को आगे पेमेंट नहीं अच्छे से मिलेगा। अच्छा। उसको अच्छा अच्छा ऑर्डर चाहिए, टेम पर चाहिए, अच्छा, तो अच्छी डिजाइन चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो आप देने के लिए तैयार हो? हाँ। तो आप भी कैसी मेहनत कर करके, वो कैसे भी चिटनी रोटी खा खा के, एक मजदूर से 2 करा 2 से 4 करा ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ गए, तो हम भी वैसे ही काम करना चाहते हैं। गुस्सा समझा तो कैसे काम करेगी, वह एक दिन भी काम नहीं करेगी। अच्छा। उसको आराम समझाएंगे जब तो काम करेगी। हाँ। जब भी तो काम करेगी ना, गुस्से में तो एक दिन करेगी दूसरा आएगी नहीं, फिर हमारा काम कैसे चलेगा। भाई साहब भी प्यार से समझाता है, वैसे हम समझाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे।